छोड़ दी तलवार भी। जब तक हजरत उमर ईमान नहीं लाए थे, अल्लाह अकबर, क्या कहते थे मालूम है? जो जो मोहम्मद पर ईमान लाएगा छोड़ूंगा नहीं उसे। जब जब ईमान, जब वो ईमान नहीं लाए, जब ईमान लाते हैं और सरकार को देखते हैं तो क्या कहते हैं? जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तलवार लेकर निकले हैं आका के पास और इरादा क्या है दिल में और होता क्या है शेर सुने। देख कर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देख कर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी। कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, कह उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। अच्छा, आला हजरत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? आला हजरत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? अच्छा, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जब तक कोई आला हजरत का आशिक नहीं होगा सुन्नी हो ही नहीं सकता। अरे हो सकता है तो हाथ नीचे क्यों है? जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अब खड़ा होंगे शेर सुनकर, अभी पता चलेगा आशिक आला हजरत कौन है और गद्दारे आला हजरत कौन है, इस शेर पे पता चलेगा। पढ़ने जा रहा हूँ शेर सुने। रोटियां खा कर रजा की पक रहा है तू खिला। खड़ा होकर आला हजरत का नारा लगना चाहिए, अगर वाकई सुन्नियत पे एहसान है आला हजरत का तो मुलायदा फरमाए। रोटियां खा कर रजा की पक रहा है तू खिला, रोटियां खा कर रजा की पक रहा है तू खिला। चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। पूरा मजमा खड़ा हो जाए, पूरा मजमा खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, अब्बास रजा नूरी। रोटियां खा कर रजा की, बोल तो दो यार। बोटियां खा कर रजा की, रोटियां और बोटियां, बिरयानी खा कर रजा की। बिरयानी में इतना खामोश। रोटियां खा के रजा की पक रहा है तू खिला, रोटियां खा के रजा की पक रहा है तू खिला। रोटियां खा के रजा की पक रहा है तू खिला। चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, मसरके आला हजरत, शारे इस्लाम अब्बास रजा नूरी, शारे इस्लाम गुलफाम रजा हसानी। वाह वाह बहुत अच्छे। कलाम का आखिरी शेर आ रहा है, आखिरी शेर आ रहा है, इंशाल्लाह झूम जाएंगे। जब सुना है गिरतों को, देखिए कितने लोग समझ गए। जब सुना है गिरतों को देते हैं, आपकी तवज्जो कहाँ हो गई है? जोर से कहते सुभान अल्लाह। जब सुना गिरतों को देते हैं सहारा मुस्तफा, जिसका कोई नहीं उसके आका होते हैं। मुलायदा फरमाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। चीफ एडिटर पैगाम अहले सुन्नत, हजरत की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت عرس مقدس علامہ حسن صاحب قبلہ۔ دیکھیں حضرات، خطیب عالم اسلام حضرت علامہ حسن رضا مصباح القادری صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے، ان کی موجودگی میں میں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں میں ماں کے پڑھوں گا، زور سے کہنے سبحان اللہ۔ روٹیاں کھا کر رضا کی بک رہا ہے تو خلا، چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے۔ جب سنا ہے گریت کو، جب سنا گریتوں کو دیتے ہیں سارا مصطفیٰ، دل سے یہ آواز آئی لڑکھڑانا چاہیے، دل سے یہ آواز آئی لڑکھڑانا چاہیے، دل سے یہ آواز آئی لڑکھڑانا چاہیے۔ اور حضرات تیزی کے ساتھ جن کا عرس ہے انہی کا سہرا پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھ دوں؟ عرس فقیر بابا میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ واقعی عرس فقیر بابا میں آئے نا، زور سے کہہ دیں نا سبحان اللہ۔ آپ چوک کیوں جاتے ہیں؟ ملاحدہ فرمائیں، بیان کیسے ہو رتبہ فقیر بابا کا۔ آج ان کی دریائے رحمت جوش میں ہے کیونکہ اس محفل میں غریب نواز کی بھی آمد ہے، غوث پاک کی بھی آمد ہے۔ ملاحدہ فرمائیں، بیان کیسے ہو رتبہ فقیر بابا کا۔ اور بلند آواز سے ملاحدہ فرمائیں، بیان کیسے ہو رتبہ فقیر بابا کا، بیان کیسے ہو رتبہ فقیر بابا کا، ہے چاروں سمت ہی چرچا فقیر بابا کا، ہے چاروں سمت ہی چرچا فقیر بابا کا۔ ایک شعر آ رہا ہے، زمانہ اس لیے جھکتا ہے ان کے قدموں میں۔ حاضری دے کر آ رہے ہیں نا آپ لوگ، نہیں دیے تو دے لینا، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوتی ہے اس بارگاہ سے۔ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ملاحدہ فرمائیں، اور ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زمانہ اس لیے جھکتا ہے ان کے قدموں میں، زمانہ جھکتا ہے ان کے، زمانہ اس لیے جھکتا ہے ان کے قدموں میں، ہے غوث پاک سے ناتا فقیر بابا کا، ہے غوث پاک سے ناتا فقیر بابا کا۔ یہ بارگاہ شریف اتنا سائڈ ہے نا، ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ ہندو مسلمان سبھی یہ کہتے ہیں، ذرا زور سے زور سے زور سے، یہاں پہ ہندو مسلمان سبھی یہ کہتے ہیں، دیوانہ میں ہوں دیوانہ فقیر بابا کا، دیوانہ میں ہوں دیوانہ فقیر بابا کا۔ آپ کے من کی بات ہے، اللہ یہاں پہ ہندو مسلمان سبھی یہ کہتے ہیں۔ کسی اور برادری سے ہیں تو اتنا آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہندو مسلمان سبھی یہ کہتے ہیں، دیوانہ میں ہوں دیوانہ فقیر بابا کا۔ ایک شعر آ رہا ہے، ماشاءاللہ، یہ
जिंदाबाद। अच्छा यहाँ पे मसला के आला नारा लग रहा है, तो गोया के हम अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे, फकीर बाबा चाह रहे हैं तभी लग रहा है, है ना? एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे भाई ने नारा लगाया, मुलायदा फरमाए। कभी भी छूटे ना तुमसे रजा के मसीलक को, कभी भी छोड़ ना तुम, कभी भी छोड़ ना तुम रजा के मसीलक को, कभी भी छोड़ ना तुम रजा के मसीलक को। यही था आखिरी खुतबा फकीर बाबा, हर एक दुश्मनी बाबा का दिल दहल जाए। तैयार हैं? हर एक दुश्मनी बाबा का दिल दहल जाए, हर एक दुश्मनी बाबा का दिल दहल जाए। लगाओ जोर से नारा फकीर बाबा, मसलके आला हजरत, ऊर से मुकद्दस। अच्छा आपके दाएं जाने जो है ना, खिचड़ा तैयार हो रहा है, देख लीजिए। अरे देख लीजिए, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद आप खा भी सकते हैं। मुलायदा फरमाएं, इख्तियार भाई शेर सुने। ये बात सच है बलाएं न छू सकेगी उसे, ये बात सच है बलाएं न छू सकेगी उसे, कि जिसने खाया है खिचड़ा फकीर बाबा। नारा लगना चाहे खिचड़ा का तो हक अदा। अच्छा आखिरी शेर आ रहा है, जितने आशिक के फकीर बाबा यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह मचल जाएंगे। मुलादा फरमाए, फरिश्ते कब्र में पूछेंगे क्या भला उससे, फरिश्ते कब्र में पूछेंगे क्या भला उससे, है जिसके पास भी शजरा फकीर बाबा, है जिसके पास बैग लेकर आ रहे हैं। माशाल्लाह, फिर पढ़ दूं? अरे फिर पढ़ दूं? नज़ोर से कह दे सुभान अल्लाह। फरिश्ते कब्र में पूछेंगे क्या भला उससे, है जिसके पास भी शजरा फकीर बाबा। और मक्ता सुन ले, मक्ता आ रहा है, मुलायदा फरमाए। सबों से कहता हुआ आ गया यहाँ अब्बास, हो जाता है कभी कभी, कभी कभी कर लेता हूँ मैं। पढ़ दूं? अब्बास कौन है? हम ही है यार, सुने हैं। सबों से कहता हुआ आ गया यहाँ अब्बास, लगा है उर्स का मेला फकीर बाबा।